नमस्कार दोस्तों, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो इग्निशन टेम्परेचर के बारे में है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे पहुंच के कोई चीज जलना शुरू कर देती है। जब तक कोई चीज अपने इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म नहीं होती तो वो नहीं जलती। इसको समझने के लिए आप, आजकल दिवाली का सीजन है, आप देख सकते हैं कि जैसे फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी को जब हम कैंडल के ऊपर गर्म करते हैं तो वो उसी समय जलना शुरू नहीं करती, बल्कि वो अपना एक समय लेती है। पहले वो गर्म होती है, गर्म होते होते जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है फिर वो जलना शुरू होती है। इस इग्निशन टेम्परेचर को समझने के लिए अभी मैं आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। उसके लिए हमें एक कैंडल चाहिए और एक माचिस। कैंडल को जला लीजिए। फिर एक बैलून लीजिए, उसमें हवा डालिए। जब आप इस बैलून को कैंडल के ऊपर लेके आएंगे, देखिए क्या होता है, कैंडल की गर्मी के कारण बैलून जल गया नीचे से, इसलिए फट गया और इसकी सारी हवा निकल गई। अभी सेम चीज दोबारा करते हैं, कैंडल को जलाया, लेकिन इस बार मैं बैलून में थोड़ा सा पानी डालूंगा। बैलून में पानी डाला, इसको फुलाया। बैलून नहीं फटा, नीचे आप देख सकते हो बैलून को काफी गर्मी का सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी नहीं फटा। इसका कारण क्या है, इस आग की जो लाट है, लपट है, उसकी सारी गर्मी बैलून के अंदर जो मैंने पानी डाला है उसे मिल रही है। तो बैलून अपने अग्निशन टेम्परेचर तक गर्म नहीं हो रहा, इसलिए बैलून फट नहीं रहा। धन्यवाद।